आज बहुत दिनों बाद फिर हम रसायनों पर और कायाकल्प की औषधियों पर चर्चा करते हैं। अष्टांग हृदय में एक बड़ा अच्छा योग है कायाकल्प का, जिसमें 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहने योग्य दृढ़ जीवन परमाणुओं की वृद्धि होती है, बल की वृद्धि होकर शरीर सुंदर बनता है, बुद्धि तीव्र हो जाती है, जठराग्नि सतेज हो जाती है और प्रत्येक अवयव क्रियात्मक बन जाता है। तो ऐसी औषधि एकल औषधि है, मात्र अकेली औषधि है और ये सब जगह उपलब्ध है, पसारियों पर भी मिल जाती है। बहुत सामान्य सी औषधि है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो जठराग्नि को प्रदीप्त करती है और आँव को भी पाचन करती है। ऐसा मानिए जैसे वनस्पतियों में पेट्रोल की तरह काम करने वाली है, उसका नाम है चित्रक। चित्रक कई तरह का होता है, काला चित्रक, लाल चित्रक, नीला चित्रक और सफेद चित्रक। आजकल सफेद चित्रक ही उपलब्ध है। वैसे रसायन गुण लाल चित्रक और काले चित्रक में होते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। काला चित्रक मिल जाए तो कहना ही क्या, 15 दिन में कायाकल्प कर देता है। लाल चित्रक मिल जाए तो वो 2-3 महीने में ही कायाकल्प कर देता है और सफेद चित्रक में अधिक समय लगता है, लेकिन कायाकल्प वो भी करता है। तो इसको कैसे लेना चाहिए समझिए। चित्रक की जड़ को उखाड़ कर उसे छेद कर आप उसका जो छाल है, जड़ की छाल, उसे इकट्ठा कर लें और सुखा कर पाउडर बना लें और इस बारीक चूर्ण को आप 12 से 24 रत्ती, यानी 1.5 रत्ती से 3 रत्ती डेढ़ ग्राम से 3 ग्राम तक, रत्ती तो नहीं मैं कह रहा हूं, रत्ती में तो 12 रत्ती से 24 रत्ती हो गई, 1.5 ग्राम से 3 ग्राम तक इसे अगर आप अनुपान के साथ लें तो ये कायाकल्प कर देती है। इसमें घी, मधु और घी दूध अथवा साफ पानी, इन चारों वस्तुओं में से किसी एक योग्य अनुपान के साथ काम में ला सकते हैं आप, लेकिन ये 42 दिन तक कम से कम देना होगा और इसमें काली गाय का दूध, जिसका काला बछड़ा हो, काली गाय हो, पूरी तरह काली, उसका दूध ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो न मिले तो फिर जिस रंग की गाय मिल जाए उससे काम चलाओ। इसमें साफी चावल, घी, मूंग और मूंग का जूस और आंवले का जूस और मधु का सेवन करना चाहिए। ये तो मैंने कायाकल्प के लिए बताया। अब ये अनेकों रोगों को भी ठीक करने के लिए इसके अलग अलग अनुपान हैं। जैसे अगर तेल के साथ सेवन करोगे तो ये वायु को शांत कर देगा, शरीर की वायु को शांत करने के लिए इसे तेल के साथ लेना चाहिए। और जिनके सफेद दाग हैं, कुष्ठ हैं, श्वेत कुष्ठ, उनके लिए ये गोमूत्र के साथ सेवन करना चाहिए। और छाछ के साथ सेवन करने से जो पाइल्स होते हैं, बवासीर,
वो ठीक हो जाता है। और तिलके तेल के साथ लेने से प्रमेह भी दूर हो जाता है। गुड़ के साथ सेवन करने से इनको नींद नहीं आती है, नींद आने लगती है। और चित्रक चूर्ण में आंवले के रस की तीन भावना देकर गाय के घी के साथ रात को एक बार लेने से ये पीलिया जो रोग हो जाता है, पांड रोग को ठीक कर देता है। इसके अलावा इसका उपयोग अनेकों रोगों में होता है। चित्रक की जड़ में विष होता है, इस कारण से उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसका प्रयोग कायाकल्प की दृष्टि से युक्त आहार विहार के साथ करना चाहिए। पथ्य पूर्वक और नियम पूर्वक रहना चाहिए, तभी कायाकल्प का लाभ मिलेगा। और इसका जो प्रमाण है, ये जो बातें लिखी हैं, वो अष्टांग हृदय में लिखी हुई है। किसी को देखना है तो अष्टांग हृदय से इसे देख सकता है और तदनुसार कार्रवाई कर सकता है। इस तरह से ये मैंने आपको चित्रक से कायाकल्प और रोगों को दूर करने की विधि आप लोगों को आज बता दी। अब इसके बाद में अगला कायाकल्प का प्रयोग बताएंगे।